प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज यूपी में दूसरा दिन रहा। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते हैं, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए हैं उनके उद्घाटन हो चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियों का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई है। पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टिकरण का जहर कमजोर हो रहा है, परिवारवादी लोग बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। आपको बता दें, इससे पहले सुबह वाराणसी में पीएम ने बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। शनिवार देर शाम पीएम काशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर का रोड शो किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा का 30 मिनट तक पूजन किया। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर पीएम ने त्रिशूल उठाकर और हर हर महादेव का जयघोष किया। जाकर के फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है, जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, अब ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं, पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं, उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया, ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन,
मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए, बताऊं आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं, बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ कर रह वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीं नहीं, तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी, कान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार आज के विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने सारे विकास कार्य आजमगढ़ के इतिहास की पहली घटना है, ये विकास का उत्सव है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, मेरी बात मानोगे? सब लोग जरा पूरे आवाज से बताइए तो मैं बताऊं, मेरी बात मानोगे, करोगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए, सबके सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें,
इधर मंच वाले भी करें अगर मोबाइल फोन रखते हैं तो, सबके साथ अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, देखिए ये विकास का उत्सव है, ये है विकास का उत्सव, ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए की का उपहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज आजमगढ़ में हुआ है। आजमगढ़ काशी और गोरखपुर के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके, जो पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी है, वह तो हुआ ही है। लोक कल्याण की तमाम अन्य योजनाओं को भी अकेले आजमगढ़ में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, 11,30,000 आयुष्मान के कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं, किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1,940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं, उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है, तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना किसे जोड़ने का कार्य हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और इसीलिए जन जन से की आवाज आ रही है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा।